ओम शांति। गुड फ्राइडे के दिन आइए हम क्राइस्ट धर्म के स्थापक ईसा मसीह के बारे में कुछ बातें जानते हैं। ईसाई समुदाय के लिए अहम त्यौहार गुड फ्राइडे इस साल 15 अप्रैल को है। इसे होली फ्राइडे या ग्रेट फ्राइडे के नाम से भी जाना जाता है। अलग अलग देशों में इसके अलग अलग नाम हैं, लेकिन इस दिन लोग एक दूसरे को बधाई या शुभकामनाएं नहीं देते बल्कि शोक मनाते हैं। इसकी वजह यह है कि इसी दिन ईसा मसीह को सूली पर लटकाया गया था। ऐसे में आपके मन में सवाल उठ सकता है कि जब इस दिन ईसा मसीह को सूली पर लटकाया गया था तो फिर इसे गुड फ्राइडे क्यों कहा जाता है? आखिर क्या है इसके पीछे की कहानी और इस दिन का महत्व इस बारे में आगे हम जानते हैं। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक ईशु के समस्त मानव जाति के लिए अपना प्यार दिखाने के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया था। यह भी कहा जाता है कि उन्होंने पूरी दुनिया के पापों के लिए अंतिम बलिदान दिया था। ऐसे में मान्यता है कि ईसा मसीह के सूली पर लटकाए जाने के बावजूद इस दिन से मानव जाति के उद्धार का मार्ग प्रशस्त किया। इसके दो दिन बाद ईसा मसीह फिर जीवित होकर रविवार को वापस लौट आए। इसी वजह से इस दिन को गुड कहा गया, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। गुड फ्राइडे के दो दिन बाद ईस्टर संडे आता है, जिस दिन ईसा मसीह को सूली पर लटकाया गया था। उसे गुड फ्राइडे के तौर पर मनाया जाता है। सूली पर लटकाए जाने के दो दिन बाद यानी रविवार को वह फिर जीवित हो गए थे। ऐसे में ईशु के वापस लौटने की खुशी में इसे ईस्टर संडे के तौर पर मनाया जाता है। इस साल गुड फ्राइडे 15 अप्रैल को है तो ईस्टर संडे 17 अप्रैल को है। गुड फ्राइडे पर्व की तारीख हर साल बदलती रहती है। गुड फ्राइडे के एक दिन पहले यानी कि गुरुवार को ही इस पर्व की शुरुआत हो जाती है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक इस दिन ईसा मसीह ने अपने 12 शिष्यों के पैर धोए और उनके साथ अंतिम बार भोजन किया था। इसी की याद में चर्च के फादर 12 लोगों के पैर धोते हैं। वही ईसाइयों के धर्म गुरु पोप भी वेटिकन सिटी में 12 लोगों के पैर धोते और चूमते हैं। इस दिन लोग उपवास रखते हैं और चर्च में प्रार्थना सभा में भाग लेते हैं। इसके अलावा चर्च में झांकी भी सजाई जाती है। गुड फ्राइडे पर हम जीसस की कहानी भी सुनते हैं। ईसा मसीह का जन्म 25 दिसंबर को हुआ था। ईसा के जन्म को लेकर न्यू टेस्टामेंट में एक कहानी है। इस कथा में कहा गया है कि ईश्वर ने अपना एक दूत गैब्रियल एक लड़की मैरी के पास भेजा। गैब्रियल ने मैरी को बताया कि वह ईश्वर के पुत्र को जन्म देगी। बच्चे का नाम जीसस होगा और वह ऐसा राजा होगा जिसके साम्राज्य की कोई सीमा नहीं होगी। चूंकि मैरी एक कुंवारी अविवाहित लड़की थी, इसलिए उसने पूछा कि यह कैसे संभव होगा। अपने जवाब में गैब्रियल ने कहा कि एक पवित्र आत्मा उसके पास आएगी और उसे ईश्वर की शक्ति से संपन्न बनाएगी। मैरी का जोसेफ नामक युवक से विवाह हुआ। देवदूत के स्वप्न में जोसेफ को बताया कि जल्दी ही मैरी गर्भवती होगी। वह मैरी का पर्याप्त ध्यान रखे और उसका त्याग ना करे। जोसेफ और मैरी नाजरत में रहा करते थे। नाजरत आज के इसराइल में है। जब नाजरत रोमन साम्राज्य में था और तत्कालीन रोमन सम्राट
अगस्तस ने जिस समय जनगणना किए जाने की आज्ञा दी थी उस समय मैरी गर्भवती थी, पर प्रत्येक व्यक्ति को बैलेहम जाकर अपना नाम लिखाना जरूरी था, इसलिए बैलेहम में बड़ी संख्या में लोग आए हुए थे। सारी धर्मशालाएं, सार्वजनिक आवास ग्रह पूरी तरह भरे हुए थे। शरण के लिए जोसेफ मैरी को लेकर जगह जगह पर भटकता रहा। अंत में दंपति को एक अस्पताल में जगह मिली और यहीं पर आधी रात के समय महाप्रभु ईसा मसीह या जीसस का जन्म हुआ। उन्हें एक चरनी में लेटाया गया। वहां कुछ गडरिये भेड़ चरा रहे थे। वहां एक देवदूत आया और उन लोगों से कहा, इस नगर में एक मुक्तिदाता का जन्म हुआ है, ये स्वयं भगवान ईसा हैं। अभी तुम कपड़ों में लिपटे एक शिशु के को नाद में पड़ा देखोगे। गडरियों ने जाकर देखा और घुटने टेक कर ईसा की स्तुति की। उनके पास उपहार देने के लिए कुछ भी नहीं था, वे गरीब थे। उन्होंने ईसा मसीह को स्वीकार कर लिया। ईसाइयों के लिए घटना का अत्यधिक महत्व है, क्योंकि वे मानते हैं कि जीसस ईश्वर के पुत्र थे, इसलिए क्रिसमस उल्लास और खुशी का त्यौहार मनाया जाता है, क्योंकि उस दिन ईश्वर का पुत्र कल्याण के लिए धरती पर आया था। वहाँ से निकलने के बाद मरियम और यूसुफ बच्चे को लेकर यरूशलम गए। उन दिनों ऐसी प्रथा थी कि माता पिता बड़े बेटे को मंदिर में ले जाकर ईश्वर को अर्पित कर देते थे। इन लोगों ने भी इसी तरह ईसा को अर्पित कर दिया। ऐसा ईसा दिन दिन बड़े हो रहे थे। यूसुफ और मरियम हर साल यरूशलम जाते थे। ईसा भी साथ जाते थे। ईसा जब 12 वर्ष के हुए तो यरूशलम में 2 दिन रुककर पुजारियों से ज्ञान चर्चा करते रहे। सत्य को खोजने की वृत्ति उनमें बचपन से ही थी। प्रभु ईसा ने जब से होश संभाला तभी से उन्हें लगा कि उनके यहूदी समाज में नाना प्रकार की गलत मान्यताएं फैली हैं। उन्होंने उनका विरोध करके मनुष्य को सही रास्ते पर चलने की सीख दी। उस समय के समाज में आदमी अपने को बहुत नीच, पापी और अपवित्र मानकर आत्मग्लानी से पीड़ित रहता था। आदम हवा की गलती की मान्यता उसके सिर पर चढ़कर बोलती थी। ईसा को यह चीज़ बुरी तरह खटकती थी। उन्होंने मनुष्य को संदेश दिया कि तुम तो पृथ्वी के नमक हो, विश्व के प्रकाश हो, तुम किस लिए अपने को अपवित्र और पापी समझते हो। परम पवित्र प्रभु की संतान को ऐसी मान्यता शुभम नहीं देती। तुम अपने को नीच और अपवित्र मत समझो, अपना आदर करो, अपना आत्मसम्मान जगाओ। तुम सब परमपिता की संतान हो, सब बराबर हो, कोई नीचा नहीं, कोई ऊंचा नहीं। हम मुंह से तो कहते हैं हम ईश्वर को मानते हैं, पर भीतर से अपने पर ही भरोसा रखते हैं। ईसा ने कहा, जीवन की आवश्यकताओं की चिंता तुम व्यर्थ ही करते हो। आगे पीछे हरी खड़े, जब मांगू तब दे, मांगो मिलेगा, दरवाजा खटखटाओ खुलेगा। यह है ईसा का पवित्र संदेश, सत्य प्रेम और करुणा से ओतप्रोत। जो कोई इसका पालन करेगा उसका कल्याण हुए बिना नहीं रहेगा। जरूरत है सच्चे, जिसे ईमानदारी के इस पर चलने की। काश हम इस पवित्र मार्ग पर चल सकें। ईसा के इसी संदेश से उनकी प्रसिद्धि चारों ओर फैलने लगी। 12 लोग ईसा के शिष्य बन गए और ऐसे ही क्रिश्चियन धर्म बढ़ता गया। अच्छा, यह थी ईसा मसीह की कहानी। ओम शांति।